हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग अपना एक डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। और वो डाउट है कि जो कूलम के लॉ में, कूलम का लॉ आपका होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो आपको ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आपका मैंने लिखवाया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है SI में होता है, SI यूनिट में। अगर इसका मान जो हम CGS सिस्टम में पता करना चाहें तो वो कितना होता है, ठीक है। तो इस डाउट में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये डाउट क्लियर करना बड़ा आसान है। मतलब आपको इसको सिर्फ करना क्या है कि ये जो आपको SI यूनिट जो दिखाई पड़ रहे हैं इनको CGS में चेंज कर देना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग इसको आगे करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डाउट कि जो कूलम के नियम में जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। CGS में इसको फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जिस स्टूडेंट ने मुझसे ये डाउट पूछा था, उसने बोला था कि सर CGS में इसका वैल्यू 1 होता है, कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू जिसका 1 हो, ठीक है, और जो मात्रक जो इसका यहाँ पे यूनिट जो यहाँ पे 9 cm² पर कूलम स्क्वायर, जो आपका यहाँ पे ESU स्क्वायर दिया मैंने, तो ये होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको कन्वर्ट करने से पहले आपको जो है कुछ और चीज जानना होगा जो कि मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन किया हुआ है। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए पहले से कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन बराबर आपका 10⁵ डाइन्स होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो ये 100 cm होता है। लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोगों ने मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, सेंटीमीटर में आपको आता होगा, फिर भी मैंने कर दिया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 मीटर × 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का यहाँ पे 100 cm लेंगे आप यहाँ पे, फिर 1 मीटर का जो है 100 cm लेंगे आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 10,000 cm। इसको आप पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अगला चीज जो आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पे चाहिए कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर के जगह पे हमको क्या करना है, ESU पता करना है कि ESU में कितना आएगा। तो 1 कूलम्ब स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम्ब × 1 कूलम्ब, और आप 1 कूलम्ब के जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना होता है आपका, तो वो होता है 3 × 10⁹ ESU। तो 1 कूलम्ब के लिए आपका इतना हो गया, फिर इंटू में आपने फिर एक और कूलम्ब गुणा कराना है, तो आप फिर यहाँ पे लेंगे 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, देखिए आप यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा, और 10⁹ आपका 10⁻¹⁸ हो जाएगा, ESU स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर को हम लोग जो है CGS में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जो ये वैल्यू है 9 × 10⁹ वो रखेंगे हम यहाँ पे, और जहां पे न्यूटन है वहां पे हम न्यूटन ना रख करके न्यूटन का जो वैल्यू होगा CGS सिस्टम में, यानी कि 10⁵ डाइन्स ही हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ रखते हैं 10⁵ डाइन, ठीक है। और फिर आपका जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइफन मतलब ये दोनों मात्रक मल्टीप्लीकेशन में गुणा में आप यहाँ पे इंटू डालिएगा, और मीटर स्क्वायर डालना आपको। तो मीटर स्क्वायर एक यहाँ पे है ना आपका छुपा हुआ, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है आपका 10⁴ cm², तो 10⁴ cm² और अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो आप कूलम्ब स्क्वायर का जो ये बट्टा यहाँ पे ना लगाइए, आप टोटल में से बट्टा कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए, 1 कूलम्ब² इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आया है 9 × 10⁻¹⁸ ESU स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते इसको देखिए यहाँ पे, तो 9 × यहाँ पे आप सारे पावर्स को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 10⁹ पावर्स क्या होंगे जुट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका पावर 5 है, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10⁴ है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। और फिर आपका जो ये यूनिट से आराम से आप लास्ट में इसको लिख सकते हैं डाइन, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन जो आपका ये आ गया 9 × 10⁹ ESU स्क्वायर, दिख पा रहा है आपको। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया हुआ है, हमको यहाँ पे ऐड करना है 4। देखिए यहाँ पे 9 है प्लस 5 है प्लस 4 है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 10⁻¹⁸, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए कितना हो जा रहा है 18 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे नीचे आपको मिल जा रहा है 9 × 10⁻¹⁸। और ये जो है आपके जो यूनिट है इसको आप कैसे अरेंज कीजिएगा, आप देखिए, तो ये दोनों जो है चीज ऊपर है आपके डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो ESU है आप इसको यहाँ पे लिखते हैं ESU का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको देखिए कैंसिल हो जा रहा है, कितना यहाँ पे आपका वैल्यू 1 आया, 1 डाइन
सेंटीमीटर स्क्वायर और ई एस यू स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो है जो कूलम का जो लॉ होता है उसमें जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में वो कुछ ये होता है 9×10⁻¹ और ई एस यू में सॉरी सी जी सिस्टम में 1 होता है। तो ये लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे अगर और भी डाउट हो तो आप लोग मुझे एक साथ 2 या 3 डाउट भेजिए, मैं उस पर भी आपका एक वीडियो कर दूंगा। थैंक यू।